पास शुक्रवार ने सौरभ ने फोन किया जी, सौरभ लगा कण का चार पाँच गाँव में जाना जी फील्ड में सर्वे करने के लिए। मैंने उससे बोला कौन कौन से गाँव है भाई, उनका एक तो बूढ़िया जी मादलपुरा जी, उन्हें चार पाँच गाँव में गया जी, और फार्मर भी कह सकते हैं भाई हाँ हमारे पास आया कि नहीं। मैं उससे मादलपुर जाकर कहने लगा भी मैंने बैंक में जाना केनरा बैंक में, तो 10,000 मैंने जमा करवाने लगा जी, क्यों ने जवाब दे दिया क्या 10,000 ने, तो बैंक में जमा करवाओ भाई रहने दे, तो मैंने मना करते करते बैंक में जमा करवा दिया जी। मेरे पे 25,000 रुपये और बच रहे थे, 10,000 जमा करवाएगा जी, मेरे पे कुल टोटल 35,000 रुपये थे जी। तो मैंने जैसे 25,000 बच रहे मेरे पास ही ना पलटी मोटरसाइकिल लिया जी, पलटी जैसे मोटरसाइकिल लिया जी, उन्होंने मोटरसाइकिल रोकी और मोटरसाइकिल रोक के कहने लगा पैसे दे भाई, मैं कहने लगा पैसे की दे भाई, उनका चेक दे चेक चेक पसंद कर, चेक मेरे थे चार चेक बच रहे थे मेरे पे दिखाने के लिए जी, तो कहने लगा पसाइन कर ना अपने बैग में कागज़ कटे जी, कागज पसाइन कर प्रॉपर्टी के कर दे प्रॉपर्टी के साइन कर। तो जैसे मैंने इनकार कर दिया, मैंने कैसे करता जी, इसने मैं फ़ोन करने लगे किसी पे, इन्हें फ़ोन भी कोस लिया मेरे पास जी, तो इसने तीन बंदे और बुलाए जी, इन्हें मारना शुरू कर दिया जी, चार रोज उन्होंने सौ बनाए तीन बंदे और बुलाए जी। तो जी उसके बाद मैं सिविल इन्हें ब्रह्मपुरा घेर दिया जी, मैं ब्रह्मपुरा जैसे घेरा जी ना मेरे को कोई होश नहीं थी जी। यार पाल है जी, क्या हुआ अरपाल को? अरपाल को 3 तारीख ना जी 9वें महीने की दिन शनिवार का था, एक सौरभ लड़के इसी के महकमे में काम कर रहा था जी, वो इसे घर से ले गया और 2-3 गांवों में ही फिरे, उसके बाद फिरने को फिर का 5-4 जिम्मेदारों के अलावा फिर का तो फिर नहर की पटड़ी चले फतेहगढ़ की सीध में जाएगा जी। उसने सौरभ ने मोटरसाइकिल रोक के इसका थप्पड़ मारे, थप्पड़ मार का मोबाइल पर 3 आदमी उसने बुला लिए मौके पर, 4 आदमी है गए, इसका सिर पकड़ का मोटरसाइकिल में मारा, ये नहीं पता भी क्या क्या मारा इसका, वहीं बेहोश कर दिया। उसके बाद इस आदमी ना नहीं पता भी मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं, उसने यहाँ थर्मल प्लांट के अलावा पता नहीं है कैसे बचाया, वो वही बताएगा जनाब। तो ये जब सिवल में आया तो इसकी बहन ने पता चले यहाँ जनता फोटो स्टेट पर है भाई तेरे भाई PGI में है, मैं यहाँ सिवल में आया, तो सिवल में जब इसकी बहन आई तो सिवल में थे सिवल वालों ना वो PGI भेज दिया था, और इसने जो काम करने वाला था सौरभ इसने अपना मामा उसके साथ बैठा दिया, जबकि कोई ऐसा मैटर नहीं बन रहा भाई, इसके घर वाले को तो पता होना चाहिए इस दौरान पुलिस को ने भी। हाँ जी, तो उस दौरान जी ये सौरभ जो था वहाँ गेट पकड़ा, फोन कर लिया हमारी उसने भाणजी ने इसका गड़ पकड़ लिया भी, तो मेरे भाई ने बता कहाँ है अनिमत ने पुलिस में दूंगी, तो इसने उसी टाइम एम्बुलेंस बुलाई शहर में ही थी वापस, तो लड़की रजनीश के साथ में गई, लड़की तो उसने 3-4 बारी रस्ते में कहा जी भाई इसमें कुछ नहीं आकर ले जा, तो लड़की नहीं रुकी, लड़की PGI में लेकर चली गई, PGI में इसका लाश हो गया। तो इसने जनाब जब 15 दिन के बाद सऊदी आई तब इसने बताया भाई ऐसे ऐसे करके मेरे साथ हो गया। पुलिस ने क्या मुकदमा? तो जी पुलिस ने मुकदमा जो एक्सीडेंट का दर्ज कर दिया थर्मल प्लांट के अलावा, बाकी पिछली कोई छानबीन नहीं करी किसी ने भी आज तक जी। तो SP साहब पास दरखास्त दी जी हमने, SP साहब ने CI की ड्यूटी लगाई, अब देखो जनाब जांच करे कोई या ना करे, गरीब आदमी की कोई सुनेगा या नहीं सुनेगा जी। PGI हम ये चाहते हैं जी भी इसकी जाँच होनी चाहिए भैया, कितने आदमी सच्चाई होनी चाहिए भाई, कितने आदमी सर से मिले हैं और कौन कौन है भाई, इसने क्या इससे चाहिए था, क्यों इसका इतनी मार पाई जो इसकी एक आंख भी बैठ गई जनाब। एक व्यक्ति था जो सितंबर में हमें पुलिस को घायल अवस्था में मिला था, जिसको हमने PGI में सिविल हॉस्पिटल में, सिविल हॉस्पिटल से PGI में रेफर कर दिया गया था और एक्सीडेंट का पर्चा दर्ज कर दिया गया था। बाद में वो लड़का कोमा में चला गया था, अभी 2-4 दिन पहले उसको होश आई है और उसने अब मिलके अपनी दरखास्त दी है कि मेरा एक्सीडेंट नहीं, मेरे साथ कुछ लोगों ने कुछ मारपीट की है, तो हमने वो इंक्वायरी अब CIA को मार्क कर दी है और जो भी कानूनी कार्रवाई बनती होगी वो की जाएगी।